नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। आज के डेट में हर दूसरा यंग टीनेजर या जिम जाने के बाद लड़के स्टेरॉइड्स लेना चाहते हैं, बिकॉज दे आर मिसगाइडेड, दे आर मिसइंफॉर्म्ड, दे हैव सम लैक ऑफ नॉलेज, दे डोंट हैव आइडिया। उनको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक जुआ खेलना चाहते हैं जल्दी पैसे कमाने के लिए। भाई ठीक है, जल्दी पैसे कमाते हुए आप लोगों को देखते हो, आपको लगता है मैं भी कमाऊंगा, और आप फिर वो जुआ खेलते हो, उसका साइड इफेक्ट्स उसको होते हैं, आपको होते हैं। वो भैया बहुत सालों से कर रहा है, आप छोटे मोटे टाइम पर भी करते हो, आपको बड़ा साइड इफेक्ट्स हो जाता है, आप फिर प्रॉब्लम आती है। तो आज बात करते हैं, देखो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, खुले तौर पे होता है। आज के डेट में जितना है उतना पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में तो और बढ़ेगा। आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा किसी को नहीं पता। और अगर आज आप नेचुरली समझे नहीं इसके बारे में, आज अगर आपने गलत डिसीजन लिए, तो आने वाले टाइम पे आपके बच्चे भी गलत डिसीजन लेंगे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसलिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। आई एज अ डॉक्टर फील इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सही नॉलेज दूँ। मैंने स्टीरॉयड, साइंस ऑफ स्टीरॉयड्स के ऊपर फुल डिटेल्ड सीरीज़ बनाई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आगे चल के और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर आएगी। सो कीप सब्सक्राइबिंग, मेरे सारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाएं। सो स्टीरॉयड और स्टीरॉयड बेस्ड जो सप्लीमेंट्स होते हैं, चाहे वो आप DHEA वाले कुछ स्टीरोइडल सप्लीमेंट्स ले लो, चाहे आप कोई साम्स ले लो, चाहे आप कोई स्टीरोइड एनालॉग ले लो, अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं स्टीरोइड के हज़ारों फॉर्म्स जो मार्केट में आ गए हैं, अल्टीमेटली व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट स्टिमुलेटिंग मसल ग्रोथ मोर देन व्हाट इट डज, डबल या ट्रिपल। मसल ग्रोथ जितना होता है उससे डबल या ट्रिपल कर देते हैं, मसल ग्रोथ का रेट बढ़ा देते हैं। दो तीन स्टीरॉयड लेने से भी यही होता है, दो या तीन गुना, उससे ज़्यादा नहीं होता, 10 गुना मसल एक दिन में नहीं आ जाएगी। सो इट टेक्स डबल हो जाता है, मसल ग्रोथ डबल हो जाता है। सो जल्दी जल्दी मसल आता है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्टीरॉयड। एंड स्टीरॉयड कैसे काम करता है, स्टीरॉयड एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड। नाउ देर आर सम दवाई वाले स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो कोरोना में दिए जाते थे, वो कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो है वो एनाबॉलिक नहीं है, वो स्टीरॉयड्स हैं, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, राइट। वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन इसलिए इसके कोरोना में यूज़ होते हैं, राइट। सो उसके बारे में भी वीडियो है हमारा, यहाँ एनाबॉलिक स्टीरॉयड की बात हो। एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है मसल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू बल्क अप, ग्रो, राइट, इन रिस्पॉन्स टू प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर वाटर। तो कुछ और चीज़ें भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डाल दोगे तो बन जाएगी, ऐसा नहीं। बट इसके अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो अच्छे खासे लोग, जितने लोग आपने स्टीरॉयड यूज़ करते हुए देखे हैं, उनको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट सबको हुआ है, सबको। आप एक बंदा मेरे पास ऐसा ला के दिखा देना जो कहता है मेरे को स्टीरॉयड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसका मैं बता दूंगा साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है, पक्के से हुआ होगा, क्योंकि इसके बहुत वाइड रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं। जो कहता है मुझे नहीं हुआ वो झूठ बोल रहा है। सो क्या साइड इफेक्ट्स हैं स्टीरॉयड के, और क्या प्रॉब्लम है, किसमें कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे कोई नहीं बोल सकता, और किस रेंज तक होंगे, कितने सिवियर होंगे कोई नहीं बोल सकता, बट होंगे, बिकॉज देर आर सो मैनी वेरिएबल्स। आज के डेट में तो स्टीरॉयड भी नकली मिलते हैं, 40-50% इंडिया के अंदर मिलने वाले स्टीरॉयड नकली हैं। नकली इन द सेंस इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं उसके अंदर, वो प्रोडक्ट की जगह दूसरा सस्ता प्रोडक्ट जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है वो हो सकता है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन। सो वी डोंट नो आपको स्टीरॉयड कहाँ से मिल रहा है, आपका ट्रेनर दे रहा है, वो ट्रेनर क्यों दे रहा है, उसका क्या फ़ायदा, वो इतने पैसे में से क्या उसको कुछ नहीं मिल रहा, अगर वो अपना कट बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा, नकली देगा। सो नकली प्रोटीन पाउडर क्यों बिकते हैं, नकली दवाइयाँ क्यों बिकती है, नकली ये ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, राइट। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। पहले तो ओरिजिनल भी मिले तो भी ये साइड इफेक्ट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड क्या ओरिजिनल भी मिले तो भी साइड इफेक्ट्स क्या। यू कैन हैव एक्ने, आपको एक्ने हो सकता है, द मोस्ट बेसिक साइड इफेक्ट, सबसे बेसिक साइड इफेक्ट है जो सबको हो सकता है, एक्ने हो सकता है, प्री मेच्योर हेयर लॉस हो सकता है, बाल्डिंग हो सकता है, टकले हो सकते हो, इसलिए कई सारे स्टीरॉयड यूज करने वाले बॉडी बिल्डर्स टकले मिलेंगे आपको, टकले। हाँ मैं कोई बात नहीं, मैं टकला हो जाऊँगा, साइड इफेक्ट तो है ना। देन देर इज आपका वेट गेन होगा,
कुछ टाइप ऑफ स्टीरोइड्स, ईस्ट्रोजेनिक स्टीरोइड्स जो हमने समझाए थे, वो आपका फैट भी गेन करवाते हैं और साथ में गायनेकोमास्टिया भी करते हैं, बूब्स डेवलप हो जाते हैं मेल्स में, बूब्स, फिर आपके मूड स्विंग्स, बहुत हैवी मूड स्विंग्स होते हैं स्टीरोइड्स पे, एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है स्टीरोइड की वजह से, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकता है, देयर आर बिग बिग एग्जांपल्स, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है टेम्पररी या परमानेंट, आपके अंदर लिटरली मसल और टेंडन इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टीरोइड यूज, बिकॉज मे बी यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं है, वाई, बेसिकली टायर में हवा नहीं है और आपने गियर लगा दिया पांचवें से ऊपर, भर्र, दैट्स हाउ इट इज, सो दैट विल कॉज प्रॉब्लम, है ना. फिर यू कैन हैव लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज कैन लीड टू येलोनेस, आपकी आंखें पीली हो सकती हैं, जॉन्डिस हो सकता है, वो साइन होगा कि लिवर डैमेज हो रहा है, उल्टियाँ आ रही है, साइन होगा लिवर डैमेज हो रहा है. आपने यंग एज में स्टीरॉयड ले लिया, बहुत यंग एज में, राइट, 15 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में आपने स्टीरॉयड ले लिया, अपने टीनेज ग्रुप में ले लिया, तो हो सकता है जितना आपका, क्योंकि उस एज में क्या होता है, हमारी बॉडी धीरे 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 स्टीरॉयड बनाती है और फिर एकदम ग्रोथ स्पर्ट करती है और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है. यंग एज में स्टीरॉयड ले लिया एनाबॉलिक स्टीरॉयड, तो ग्रोथ रुक भी सकती है, ग्रोथ ऑफ योर हाइट, हाइट ग्रोथ रुक सकती, मसल ग्रो हो जाएगी, हाइट की ग्रोथ रुक सकती है बहुत यंग एज में ले लिया तो. और देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट की डिजीजेस, ब्लड के क्लॉट्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड कैंसर, इन सब के रिस्क बढ़ते हैं. सो कुछ ना कुछ होगा आगे चल के, कुछ ना कुछ होगा, इवन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बचा, उनको भी कुछ ना कुछ हुआ, राइट, पढ़ लेना उसके बारे में. फिर इफ गर्ल्स आर टेकिंग स्टीरॉयड, दे विल हैव बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स, दे विल हैव चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट, राइट, उनके ब्रेस्ट श्रिंक हो जाएंगे, वॉइस डीप हो जाएगी, मेल्स के टेस्टिकल्स श्रिंक हो, अंडकोश बिल्कुल श्रिंक होंगे वाइल यूजिंग स्टीरोइड, ज़्यादा डोज ले रहे हो, ज़्यादा लंबा ले रहे हो, परमानेंट श्रिंकेज, परमानेंट टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता है जब भी स्टीरोइड, साम्स, टेस्टोस्टेरोन एनालॉग, कुछ भी ऐसा लोगे, यू आर बेसिकली गिविंग एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन, तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और कई लोगों में वो रिवाइव हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिवाइव नहीं हो पाएगा, दैट इज ऑल्सो बिग साइड इफेक्ट, सबको, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों में रिवाइव हो जाता है, लोग उसको जो नॉर्मली बिना दवाई लिए भी 3 महीने में रिवाइव हो जाता है, कुछ लोग जल्दी रिवाइव करने के लिए PCT करते हैं, सुना होगा, PCT पे भी वीडियो है हमारा. फिर देर इज़ अ बिग इशू, बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन है, जो कोई किसी को नहीं बताता कि मुझे हुआ है साइड इफेक्ट, इम्पोटेंसी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, वेरी 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 कॉमन, जो इसके साथ होता है, बहुत कॉमन है, राइट. इट्स समथिंग लाइक कि एक रेस कार में अगर आपको चलने की आदत है, रेस ट्रैक में चलाने की आदत है, उसके बाद जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो मज़ा नहीं आता. सेम वे जब आप स्टीरोइड पे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, आपकी सेक्सुअल फीलिंग, आपकी एंगर, आपका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जब वो नहीं लेते हो तो एकदम ड्रॉप हो जाता है, और बार 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 करने से आपका एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन इंटरनल प्रोडक्शन इतना ड्रॉप हो जाता है, टेस्टिकल्स इतने श्रिंक हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो सकता है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है आगे, क्योंकि आपके बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है. आएगी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा, इसलिए ऐसा नहीं कि हर बॉडी बिल्डर के किसी को बच्चे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके हैं, कुछ लोगों को नहीं हो रहे, कुछ को मुश्किलें हो रही हैं, कुछ को दिक्कतें हो रही हैं, कई को हो रही हैं, राइट, कई को हो रही हैं. प्रॉब्लम ये आता है, पीपल हु स्टार्ट अर्ली दे माइट हैव मोर, एंड पीपल हु गेट यू नो फेक प्रोडक्ट्स, बैड नॉलेज, गलत जानकारी, गलत ट्रेनर, दे विल गेट मोर साइड इफेक्ट्स, राइट. साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, किसको कौन से होंगे नहीं पता, पर सबको कुछ ना कुछ होगा. If you are okay with that, कि हाँ मैं झेलूँगा, then only go with it. और एक साइकिल लेने से कुछ नहीं होगा, it needs to be taken regularly if you really want to grow muscle. It just in doubles your muscle growth. जो 1 महीने में ग्रो करना था, वो दो महीने में ग्रो करना था, वो 1 महीने में कर लिया, जो 3 में करना था, वो 1 में कर लिया, that's it, है ना. वो किया आपने ज़्यादा हैवी वो लेके, कि भाई टाइम ऑफ ग्रोथ कम कर लिया, मगर पॉइंट क्या है, अगर आप उसके बाद साइकिल नहीं लोगे तो वो ग्रोथ धीरे धीरे छट जाएगी, वापस खत्म हो जाएगी.
दैट्स वाई आप देखोगे कई बॉडी बिल्डर्स जिनके अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखोगे जो उनके वीडियोस से बीच बीच में जो उनकी वीडियोस में वो उनकी ये आती है इंट्रोडक्शन में उनकी जो बॉडी आती है और अभी जो बॉडी है बिल्कुल फुस, ऐसा थोड़ी कि अभी अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे है ना. सो देर आर सम रीजंस फॉर दैट. ठीक है. सो भाई साहब रिस्क बहुत है एंड क्या ये वर्थ इट है, बिकॉज कई बार इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन प्रॉपर गाइडेंस इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं. कई लोग अगर मान लीजिए नॉन स्टराइल कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे हैं, वही इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो हेपेटाइटिस HIV जैसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. सो स्टीरोइड लेना मजाक नहीं है, स्टीरोइड ओरिजिनल मिलना मजाक नहीं है. अगर हम इस ज़माने में जीते हैं जहाँ प्रोटीन मुश्किल से ओरिजिनल मिलता है, तो स्टीरोइड तो बहुत ही मुश्किल से ओरिजिनल मिलता है, 10 गुना मुश्किल से, राइट. सो थिंक 100 times बिफोर इवन यू नो थिंकिंग अबाउट स्टीरोइड्स, राइट. दैट इज़ माई ऑप्शन, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू. ठीक है. नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में नॉलेज लगेगा, टाइम लगेगा, स्लो होगी, ज़्यादा देर टिकेगी, बट देर आर गुड एग्जाम्पल्स. अब सर्च करो, आपको मिल जाएंगे. पीपल आर देयर हु आर नेचुरल. ठीक है. फेक नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल लिया स्टीरोइड, पहले स्टीरोइड ले लिया अब नेचुरल हो. हाँ भाई ठीक है, सही बात है, पहले स्टीरोइड लिया अब नेचुरल है, पर जो ग्रोथ हुआ था वो स्टीरोइड की वजह से हुआ, जो साइड इफेक्ट हुआ वो तो हुआ, वो तो आगे चल के दिखेगा. बोन वीक हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है. सो साइड इफेक्ट्स आर देयर, राइट. इफ यू गो इन टू दिस, मेक श्योर दैट यू नो द रिस्क, दैट्स इट, एंड मेक श्योर दैट यू डू रेगुलर हेल्थ टेस्ट. इस वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चे जो हैं, आपके आने वाले बच्चे जो हैं, इस रास्ते में जाने से पहले सोचें. बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन. ओके. थैंक यू सो मच.